इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप फाइव ऐसी पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीजों के बारे में जिन्हें आप शायद ही मिस करना चाहोगे जिनमें आपको एक अच्छी स्टोरी क्राइम थ्रिलर सस्पेंस और साथ ही एडल्ट सीन भी देखने को मिलेंगे और साथ ही में उनकी जो स्टोरी लाइन रहेगी ना वो काफी एंगेजिंग रहेगी और काफी बेटर लगेगी बताया जाता है की कैसे एक पोलिटेशन अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है अब उसके लिए कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं होता चाहे उसकी सिस्टर हो चाहे उसकी मदर हो उसके लिए जो इंपोर्टेंट मानी जाती है वो मानी जाती है उसकी गद्दी तो आगे बढ़ने से पहले आपको कर लेना चैनल को सब्सक्राइब और शुरू करते हैं हमारे पांच ऐसे इंडियन पोलिटिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीजों बारे में जिनका कॉन्टेंट आपको मालूम होगा इसमें नंबर फाइव पर जो वेब सीरीज आती है उसका नाम होने वाला दस बिस्लो और अगर आई की रेटिंग की बात की जाए तो सेवन पॉइंट वन की रेटिंग दी गई और जो वेब सीरीज आपको मिलेगी वो एमजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी कहानी भारतीय शासन की शिक्षा नीति के मायाजाल को बताया जाता है जहाँ पर एक नेता अपने पॉलिटिशियन के दम पर किसी भी तरीके के घोटाले करते हैं और अब के बार जो घोटाला किया गया वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बनकर रह गया है जिस घोटाले में चालीस बड़े लोगों की हत्या हो चुकी है तो आखिर ये घोटाला हुआ कैसे और किस तरीके से शिक्षा नीति को लूटा गया वो चीजें आपको देखने को मिलेगी अब इसकी जो कहानी है वैसे तो सच्ची घटनाओं को लेकर दिखाई गई है लेकिन जो आपको जो कंटेंट देखने को मिलेगा वो काफी अच्छा और जो स्टोरी रहेगी वो काफी एंगेजिंग देखने को मिलेगी उसके बाद में हमारे नंबर फोर पर जो वेब सीरीज आती है उसका नाम होने वाला है सिटी ऑफ ड्रीम्स और आई की तरफ से सेवन पॉइंट सेवन की रेटिंग दी गई और जो वेब सीरीज अवेलेबल है वो हॉटस्टार पर अवेलेबल है अब इसकी जो कहानी चलती है ना वो राजनीति का सबसे बड़ा और डरावना चेहरा दिखाकर जाती है जहाँ पर भाई बहन में एक जंग छिड़ जाती है और वो छिड़ती है सिर्फ गद्दी को लेकर शहर का एक मुख्यमंत्री है जिसका नाम है पूर्णिमा वो अचानक से किसी भी तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज में फंस जाता है लेकिन उसके उसके पस जाने के बाद में उसका बेटा और जो बेटी है उसमें एक अलग जंग देखने को मिलती है दोनों एक दूसरे को मार काटने के लिए उतर जाते हैं और दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है की इस गद्दी पर मैं बैठूंगा आखिर अब उन दोनों में से उस गद्दी पर कौन बैठेगा और उसका पिता किस कारण पकड़ा गया था और उनमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी तो कहानी आपको काफी इन लगेगी और कहानी आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने देगी अगर उसके बाद में नंबर थ्री की बात की जाए तो नंबर थ्री पर जो वेब सीरीज आती है उसका नाम आने वाला इन साइड एज आई की तरफ सेवन पॉइंट की रेटिंग दी गई और वेब सीरीज आपको एमजोन पर अवेलेबल मिलेगी अब इसकी जो कहानी चलती है वो राजनीति और सट्टेबाजी को दिखाती है जहाँ पर क्रिकेट की दुनिया में होने वाले सट्टेबाज के अंदर किस तरीके की राजनीति खेली जाती है लेकिन इसकी स्पेशली जो कहानी चलती है वो दो लोगों को लेकर हाईलाइट करती है जो कि दोनों ही सोतीले भाई है और दोनों ही क्रिकेट की दुनिया में राज करने के लिए आए हैं अब उनके बीच बीच में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी उसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए वेब सीरीज एक अच्छी स्टोरी को लेकर आगे बढ़ती है और एक प्रॉपर क्राइम आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको काफी मर्डर मिस्ट्री भी दिखाई जाएगी उसके बाद में मैं नंबर दो पर जो वेब सीरीज आती है उसका नाम आने वाला नक्सलवारी और आई की तरफ सेवन पॉइंट वन की रेटिंग दी गई और वेब सीरीज आपको जी फाइव पर अवेलेबल मिलेगी अब इसकी जो कहानी चलती है वो मुंबई के नक्सली क्षेत्रों को लेकर हाईलाइट करती है जहाँ पर एक एमएलए और चालीस लोग एक साथ निकल रहे हैं अब जैसे ही वो रोड क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर एक बम द्वारा एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है जिसमें एमएलए के साथ उन चालीस बड़े लोगों की भी हत्या कर दी जाती है और इस हत्या में जो सबसे बड़ा जो नाम निकल कर आता है वो नक्सलवादी के जो क्षेत्र का जो सबसे बड़ा आदमी है उसका निकल कर आता है तो ऐसे में अब वो क्या करेगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या वाक्य में नक्सली नेता का हाथ है या किसी दूसरे ने उसको मारा और कब तक ये मर्डर मिस्ट्री चलेगी और कब तक पुलिस इस गुस्ती नहीं सुलझा पाएगी उसके बाद में हमारे नंबर वन पर जो वेब सीरीज आती है उसका नाम होने वाला है द एम्पायर जो आई एम टीवी की रेटिंग दी गई वो पांच की दी गई है रेटिंग पे मत जाइए इसका जो कंटेंट है वो काफी अलग होने वाला है वेब सीरीज आपको हॉटस्टार स्टार पर इजीली मिल जाएगी और जो कहानी हाईलाइट करती है वो मुगलों के शासन को लेकर आगे बढ़ती है वेब में आपको मुगलों के भारत आने की दगगाबाजी को दिखाया जाता है और उसके बाद में बाबर को किस तरीके से भारत पर राज करने का अधिकार दिखाया जाता है और उसे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं उसके बाद में असली दगाबाजी की शुरुआत होती है आपको जो कम्प्लीटली जो मुगल शासन है ना उसको लेकर हाईलाइट किया गया उनका जो क्राइम थ्रिलर वो दिखाया गया उनकी वेलग्रिटी को दिखाया गया और सारी चीजें थीज़, अच्छी चीजों को लेकर आगे बढ़ती है